हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अतुल धल। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जितनी ज़रूरी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए हमारी फ़िटनेस है, मतलब यहां हम जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उतना ही ज़रूरी हमारा मेंटल हेल्थ भी है। और मेंटल हेल्थ के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो आप लाइक करते हो। आप अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना चाहते हो और इन्हेंस करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप 15 दिन में एक बार करो, चाहे आप हफ्ते में एक बार करो, चाहे एक महीने में एक बार करो, लेकिन ज़रूर जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। जैसे मुझे अच्छा लगता है पार्क में घूमना या फिर नेचर के साथ रहना, उसी तरह आज मैं आपको लेके आया हूँ आप दिल्ली में जो एक है बुद्धा गार्डन। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे बुद्धा गार्डन किस तरह का इसका एनवायरनमेंट है, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस पार्क में दोस्तों ये है बुद्धा की मूर्ति, जिसके कारण ये जाना जाता है बुद्धा गार्डन। और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू, कितना अच्छा नेचर के साथ रहना, कितना सही लगता है, कितना पीसफुली, मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा था, उस मेंटल हेल्थ के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे आपको गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, चाहे आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है आपको नेचर के साथ रहना, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट घूमनी चाहिए या मुझे कहीं एक्सप्लोर करना है, वो चीज़ आप कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों कितना सुंदर यहाँ पे, मतलब एक छोटा सा पुल सा बना है। और इस पानी में पहले काफ़ी सारी बत्तखें हुआ करती थी, सुनने में ऐसा आता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बहुत साल पहले आए थे, 10 साल पहले, उनका ये व्यू था कि यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब बत्तखें हुआ करती थी और नेचर का काफ़ी अच्छा रोल था उसमें भी। और ये देखिए आपका कितना सुंदर, मतलब नज़ारा है यहाँ का। मेरे पीछे आप नेचर की आवाज़ें सुन सकते हो, चिड़ियों की, पंछियों की, अलग अलग। और कितना ब्यूटीफुली, मतलब इस पार्क को सजाया गया है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा सा पत्थर सा लगा रखा है और इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स। अभी थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये कलरफुल थे और कलर अभी इनका धीरे धीरे फेंट हो रहा है। आई होप कि इसको दोबारा कलर किया जाए और अच्छे से ये सजाया जाए ताकि नाम पढ़ने में ईजी हो। और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार, मतलब आज रेनी डे भी है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों आपको डक्स के बारे में बताया था कि यहाँ पे होती थी, मुझे दिखी नहीं, शायद मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि नहीं भी हो, बट अभी थोड़ा सा आगे आए तो ये केज में थोड़ा सा बतखें आपको दिख जाएंगी। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा जूम हो जाए, ये देखिए। तो ये तो अभी अंदर है, शायद हो सकता है बारिश की वजह से या कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने केज में डाल रखी है, मतलब केज नहीं है, पूरा एक बाउंड्री सा किया हुआ है उसमें डाल रखी है। बट ये जब पानी पे होते हैं तो और सुंदर लगती हैं और इस जो पार्क का जो नज़ारा है और देखने में अच्छा दिखता है। तो दोस्तों देखा आपने नेचर के साथ रहना कितना मज़ेदार है, और इतनी प्योर, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा, इतना अच्छा देखने को आपको ग्रीनरी मिलती है। तो मे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नेचर के साथ कनेक्ट होता हूँ, एक अजीब सी फीलिंग जो है ना, सी एनर्जी जो है वो मुझे मिलती है जब भी मैं नेचर के साथ जुड़ता हूँ। सो यही मैं कहना चाहता हूँ बार बार कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, तो नेचर, अगर नेचर मिलती है तो नेचर के साथ जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ भी करना अच्छा लगता है, प्लीज़ डू दैट, ताकि आप स्ट्रेस ना हो, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों कितना ही, मतलब कितने पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे, और मतलब बहुत अलग तरह की फीलिंग आती है जब भी आप बड़े शहर में किसी में इस तरह के गार्डन पे आप जब पहुंच जाते हो ना, बहुत अलग तरह की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मतलब आप दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया हो, जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है ना उससे आप बिल्कुल अलग हो गए हो। बस इसी तरह दोस्तों, जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो को शेयर करना। और जो लोग अभी तक बुद्धा गार्डन में नहीं गए हैं या मिसकंसेप्शंस बुद्धा गार्डन की जो हैं, वैसी अभी तक मुझे दिखी नहीं है यहाँ पे, जो लोग कहते हैं कि इस तरह से होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कुछ दिखा नहीं है भाइयों। आप नेचर के साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो प्लीज़ विज़िट। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि किस तरह से ये, मतलब पंछियों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है पानी का एक सोर्स, कि वो पानी यहाँ से पी सकें, और ब्यूटी है यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त वाली ब्यूटीफुल, मतलब इतना अच्छा, इतना शहर में इस तरह की चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में जितना पॉल्यूशन है ना, उनको उस चीज़ को बचाने में, मतलब नेचर को बचाने में या हमारे ऑक्सीजन लेवल को, एयर क्वालिटी को अच्छा करने में, इन जैसे पार्क्स का बहुत हाथ है जहाँ पे प्लांटेशन इतनी अच्छी है। तो ये है फीलिंग, मतलब आप बिल्कुल नेचर के करीब, इतना करीब कि जो मज़ा यहाँ पे बैठ के आपको मेडिटेशन करने का है, आपको ब्रीथ जो टेक्निक्स हैं उनको करने का है, या ब्रीदिंग से जो आपको रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम है उसको एनहांस करने का है, वो कहीं नहीं आ सकता। मच्छर काट रहे हैं, चिड़ियाँ बोल रही हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, इससे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर हो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी शांति की ज़रूरत है उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तो आप बुद्धा गार्डन में ज़रूर आइए।
यहाँ पे आपको दोस्तों अगर सुनने को मिल रहा, शायद हो सकता है बहुत माइन्यूट सी आवाज़ आए, लेकिन यहाँ पे मोर जो हैं वो भी बोल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों यहाँ का रोज़ गार्डन जो उन्होंने बनाया गया है। वैसे तो रोज़ जो है फ्लावर अभी खिलने का सीज़न तो है नहीं, लेकिन आप देखिए कितने ब्यूटीफुली इन्होंने पार्क को बनाया है। माय गॉड, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ दोस्तों आपको कि अगर सिटीज़ में आप हो और आपको बहुत मन करता है नेचर के साथ कनेक्ट होने का, तो आप ज़रूर ऐसी ऐसी जगह पर विज़िट करिए जहाँ पे आप अपने अपने आप के साथ रह सकें, अपने नेचर के साथ रह सकें, उसको फील कर सकें। वाह, और क्लाइमेट का भी आज मतलब क्या ही कहना, बिल्कुल अलग लेवल का क्लाइमेट है यहाँ पे। हवा चल रही है, बादल हो रखे हैं, पहले बारिश हो रही थी अब बादल हो रखे हैं। और इसी तरह दोस्तों देखिए फ्लावर्स किस तरह से है जो बचे हैं, मतलब अभी सीज़न में होते नहीं है फ्लावर्स, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने पार्क को सजाया है। सेटिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट है। फिर भी मैं यही बताऊंगा कि जब भी आप आते हो तो सेटिंग के लिए बेंचेस को ना चुनें, पत्थरों को चुनें जो नेचर के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर बेंच भी आप चुनते हो तो भी वो सारा मटेरियलिस्टिक ही चीज़ है। तो मतलब थोड़ा नज़ारा लो ज़िंदगी का। एक और चीज़ दोस्तों मेरी तरफ से रिक्वेस्ट जो मैं करना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे पार्क्स में आते हो, जब भी आप इस तरह के पार्क्स में आते हो, तो प्लीज़ जो भी आपका मतलब प्लास्टिक्स हैं या बॉटल्स आप लेके आते हैं या कुछ भी खाने पीने की चीज़ है उसके साथ जो भी मटेरियल आप वेस्ट में करते हो, प्लीज़ उसे डस्टबिन में, इस तरह के डस्टबिन पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, इस तरह के डस्टबिन लगे हुए हैं, प्लीज़ डस्टबिन में डालें, बाहर ना फेंकें। क्योंकि प्लास्टिक और ये पॉलीथीन, ये सब चीज़ें जो हैं, रैपर्स हो गए, ये सब चीज़ें इनको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है अगर ये धरती के अंदर इसी तरह से पड़े रहेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप आते हो, आपको वेस्ट अगर नहीं भी है आपका दिखता है वो प्लास्टिक कोई भी ऐसी चीज़, तो प्लीज़ उसे उठा के डस्टबिन में डालें ताकि वो रिसाइकिल हो सकें। और ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन टाइप रहेगा आपका नेचर के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का अगर इनिशिएटिव्स हम लोग लें तो और अच्छा इसको कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप नेचर के साथ घूमते ना, मतलब अगर मैं इस पार्क में घूम रहा हूँ तो मुझे अलग अलग खुशबुएं देखने को मिल रही है। जैसे कई जगह पे सिट्रिक्स की खुशबू जैसे लेमन की होती है वैसे दिख रही है, कई जगह पे फ्रेगनेंस मतलब इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है वो कि आपका जो अंतर्मन जो है वो खुश हो जाएगा उसको फील करते ही, कि इतनी अलग अलग तरह की फ्रेगनेंसेस आपको इस पार्क में देखने को मिल जाएंगी। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ तो है, ये देखो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये नेवला है और कुछ नहीं है बस। लेकिन ये देखो ना, ये बहुत चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, और इस जगह पे इस तरह की चीज़ें होना मतलब कुछ तो है नेचर में बात। मेरी कोशिश थी मैं आपको यहाँ पे मोर दिखाऊं, लेकिन मुझे लगता है बोल तो रहा है किसी साइड से लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस तरफ है। अदरवाइज़ मैं कोशिश कर रही मैं दूसरी तरफ से इस तरफ आया हूँ ताकि आपको वो दिखा सकूँ। तो नेचर के रंग बहुत तरह के हैं, आप पिकॉक को ले लिए, मोर को ले लीजिए, उसमें कितने तरह के कलर आपको देखने को मिल जाते हैं।
मैं कोशिश थी कि मैं दिखाता आपको, लेकिन अगर मिलता है तो श्योरली मैं उसका शॉट एक ज़रूर लूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप सुन सकते हैं कि मोर की आवाज़ें यहाँ पे अब सुनाई दे रही हैं। मुझे लगता है हम लोग इनके बिल्कुल करीब हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो दिख सकें, वीडियो में दिख सकें तो दिखाएंगे भी ज़रूर। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि ये दिल्ली है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह की ग्रीनरी जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकती है, इस तरह के घने जंगल जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ भी हम जाते हैं वो जाते हैं मार्केट्स में, लेकिन देखो कितना ब्यूटीफुल दोस्तों नेचर है यहाँ पर, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर प्लांटेशन है, जंगल पूरा भरा है। तो इस तरह की जगहों को आप इंजॉय कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और रेदर देन आप मार्केट्स में घूमो फिर से वही बिल्डिंग्स, मधुमक्खी के छत्ते देखो, है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं मधुमक्खियों की तरह एक ही कमरे में 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK बस उसी फ्लोर पे घूमते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मेरा सजेशन है, वैसे तो थोड़ी सांस भी फूल रही है इस टाइम क्योंकि काफ़ी टाइम से हम चल ही रहे हैं, और अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे नेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी। और हेल्थ और फिटनेस के ऊपर तो मैं ऐसे ही बात करता रहता हूँ, जो बातें हैं वो आपको बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन जैसे पहुँचती है वैसे पहुँचेगी आपको। बट उसी के साथ साथ आज मेंटल हेल्थ के ऊपर मेरा पहला ब्लॉग था, तो मेरा दिल किया कि मैं नेचर के साथ जुड़ूँ और मैं वहाँ जाके देखूँ कि किस तरह से हम जो है वो पीसफुली अपने माइंड को जो है वो शांत कर सकते हैं, किस तरह से ब्रीदिंग्स को अच्छे से कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल कहीं कहीं आपको घर में या वहाँ देखने को मिलेगा सड़कों पे। तो जब भी आपको मौका मिले संडे सैटरडे, जब भी आपका ऑफ हो, वीकेंड हो, मूर्थल जाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे आओ और इंजॉय करो, ठीक है, परांठे खाने से अच्छा है कि आप यहाँ पर आके हवा खाओ, ऑक्सीजन खाओ, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो रिकवर हो सके, क्योंकि ज़िंदा तो हम लोग ऑक्सीजन पे ही हैं, फूड और पानी तो बाद में आता है, सबसे पहले ज़रूरी तो ऑक्सीजन है। तो चलो इसी को इंजॉय करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितना सही ट्रैक बना हुआ और इतना घना जंगल है, सो चलिए इंजॉय करते रहिए। Thank you.
बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे बन गया है। क्लाइमेट इतना ज़बरदस्त हो गया ना कि देखने वाला है। बारिश यहाँ पे आ चुकी है और यहीं पे हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्लॉगिंग अपनी रोकेंगे और मैं इन्जॉय करने वाला हूँ बारिश को। और चलिए आप भी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक्सपीरियंस करके बताना मेरे जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से एक्सपीरियंस आपका रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा सा बारिश का आपको सीन दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से है और बहुत जल्दी हम लोग कैमरे को करने वाले हैं क्लोज। देख रहे होंगे कि पूरी तरह से भीग चुके हैं हम, बारिश का पूरा आनंद हमने लिया है कैमरे वैमरे सब ऑफ करके और मतलब कि पूरा बारिश में भीग के आया है। अब बात यह है कि चलो देखते हैं कि बारिश में तो हम लोग भीग लिया। अब कॉफ़ी का पीने का मन है, अगर आपको कुछ खाने का मन है तो यहाँ पे गोल्डन रेस्टोरेंट करके हैं, गोल्डन रेस्टोरेंट करके हैं, आप यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी खाने का मन है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ, वैसे व्यू बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा दिया है लेकिन अभी छोटा सा एक व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और बाहर का व्यू एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। इतना हैवी रेन आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इतना मतलब मज़ा है नेचर के साथ। आवाज़ आप सुन पाओगे मेरी और साथ में बारिश की बूंदों का जो बैकग्राउंड है वो आप देख पाओगे। रेस्टोरेंट्स के जो ऑनर का पता चला कि 45 ईयर से वो यहाँ पे मतलब इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, द गोल्डन रेस्टोरेंट। फिर से मैं नाम एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो दिल्ली जैसी जगह में मतलब ऐसी चीज़ होना इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स कि दिल्ली जैसी सिटी में इतनी ज़बरदस्त हरियाली, ग्रीनरी, पार्क आपको देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी हम भागते कहाँ हैं, मूर्तर की तरफ, खाते क्या हैं, परांठे। दोस्तों इतनी दूर जाना, ट्रैफिक में, जैम में फंसना, उससे बेटर है कि आप ऐसी ऐसी जगह पर आओ, नेचर के साथ जुड़ो और अपनी हेल्थ दोनों मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना समझो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं करूँगा एंड और फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। हेल्थ और फिटनेस के ऊपर तो वीडियो बनती रहती है लेकिन अब हम लोग करेंगे शुरू अब बाहर जाके शूट करके, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगह किस तरह की है और किस तरह से हेल्प कर सकती है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों अब है, ये है जो आपको सामने गेट दिख रहा है ना, ये है स्वर्ग और नरक का द्वार। अभी तक हम स्वर्ग में यात्रा कर रहे थे, अब शुरू हो जाएगी नरक की यात्रा क्योंकि फिर से वही मटेरियलिस्टिक चीजें, फिर से वही जैम, वही ट्रैफिक। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी ज़रूर यहाँ पे विजिट करेंगे बुद्धा गार्डन में। तो चलिए नरक से सिर्फ नरक की तरफ फिर से शुरू करते हैं और फिर से कभी प्लान बनाएंगे बुद्धा गार्डन आने का और अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे। तो तब
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।